इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भारत के सबसे पाक माने जाने वाले शहरों में से एक है राजस्थान का अजमेर। अरावली के ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से घिरे हुए अजमेर शहर की गिनती राजस्थान के प्राचीन शहरों में होती है। इसी अरावली पहाड़ी पर स्थित है प्राचीन तारागढ़ किला, जिसका इतिहास अजमेर के चौहान शासकों से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में सम्राट अजय राज चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण विदेशी आक्रमणों से रक्षा के नजरिए से करवाया गया था। इस किले ने कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। मुगल काल में ये किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था, लेकिन अब इस किले में सिर्फ जर्जर बुर्ज, दरवाजे और खंडर ही बचे हैं। आज तारागढ़ किले से हमें अजमेर शहर का शानदार नजारा दिखाई पड़ता है। ये किला समुद्र तल से लगभग 5000 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 2 वर्ग मील में फैला हुआ है। पहाड़ी की ढलान पर बने इस ऐतिहासिक किले के अंदर जाने के 3 विशाल दरवाजे बने हुए हैं। राजपूती अंदाज में बने इस किले के अधिकांश भाग अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ये दुर्ग अपनी सुरंगों के लिए जाना जाता था, जो आड़ी तिरछी होकर पहाड़ी को चीरती हुई निकलती थी। हालांकि ये सुरंग अब दिखाई नहीं देती है। इस किले में 14 विशाल बुर्ज, कई जलाशय और मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह भी बनी हुई है। अजमेर शहर सदियों से अपने कूटनीतिक और धार्मिक महत्व की वजह से राजाओं और प्रजा दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली के अलावा अजमेर ही एक ऐसा शहर था जिसे राजधानी का ताज हासिल था। चौहान वंश ने यहां सदियों तक राज किया। अजमेर के इस दुर्ग में स्थित है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक प्रतिमा, जिन्हें भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपादलक्षेश्वर, राय पिथौरा नामों से भी जाना जाता है। तारागढ़ के अलावा चौहान वंश द्वारा बनवाए गए दूसरे अवशेष आज हमें आणा सागर के रूप में देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के दादा आणाजी चौहान ने करवाया था। अजमेर में ही स्थित है भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक, जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर सिर्फ 2.5 दिन में किया गया था, जिस वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इसे 1192 में मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। साथ ही आस्था का केंद्र माने जाने वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यही है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। आस्था, इतिहास और धारणा का एक बहुत ही अच्छा संगम देखने को मिलता है अजमेर में। तारागढ़ किले में आज सिर्फ खंडहर ही रह गए हैं, लेकिन यहाँ से अजमेर शहर का नजारा देखते ही बनता है।